बता रहा है मैं अफसर हुसैन। आज ऐसे जगह सर जमीन पर हम लोग हैं जो देश के कोने कोने, देश ही नहीं विदेश के कोने कोने के लोग जानते हैं। अगर ये नाम बताया जाए तो आज पूरे ट्रेंडिंग में ये चल रहा है। हम लोग यूसुफपुर के मोहम्मदाबाद में हैं, कालीबाग कब्रिस्तान के बगल में। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जी आ रहे हैं तो उसी प्लच में ये लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखकर लोग बिल्कुल मायूस हैं। धूप चिलचिलाती हुई है लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हम इनकी ज़ुबानी जानेंगे कि आखिर ये कहाँ से आए हैं और अपना परिचय देते हुए कुछ मुख्तार अंसारी जी के बारे में भी बता। अध्यक्ष है समझ लिया हम लोग वहाँ से आए हैं। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं जी, मैं ठीक हूँ, मिट्टी देने के लिए और शोक संपत्त परिवार से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ की दशा देख करके यही लगता है जैसे कि कश्मीर में हम खड़े हैं। जिस तरह की यहाँ की व्यवस्था है कि आम पब्लिक को जाने के लिए रोका जा रहा है, कहीं कोई जा ना पाए, जैसे लग रहा है आतंकवादी के घर में जा रहे हैं, वो स्थिति बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन यहाँ का बनाया हुआ है। हम लोग इतनी दूर से आ करके यहाँ चिलचिलाती धूप में खड़े हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग आगे जाएँ या पीछे जाएँ, क्योंकि मुख्तार अंसारी को चाहने वाले जिला नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में इतने लोग हैं कि आज यहाँ पर लाखों की संख्या में बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। आप प्रशासन के साथ हाथ पांव फूल रहे हैं कि कहीं कोई जैसे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने आकाश में। इसलिए ये लोग ऐसी व्यवस्था किए हैं, जनता मर जाए कोई दिक्कत उनको नहीं है, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ये दिक्कत है कि कहीं ज़्यादा ये लोग कह रहे हैं कि मेरा आका नाराज हो जाएगा कि मुख्तार अंसारी जिसको हम माफिया कहते हैं, लोग मसीहा कहते हैं, आप मसीहा को देखने के जब इतने लोग आएंगे तो मेरा आका नाराज हो जाएगा कि कैसी व्यवस्था की वहाँ से लोग पहुँचे। नहीं पहुँचना चाहिए, उनकी मंशा यही है। इसीलिए एक मीटिंग के कार्यक्रम में जैसा लग रहा है कि कोई किसी आतंकवादी को घेरना है, उस व्यवस्था में लोग यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग प्रशासन लगा करके किया जा रहा है। लोग यह बताते हैं प्रशासनिक स्तर से बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहते हैं, कोई कमी नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ जो भी आएगा, जो मुख्तार को चाहने वाला होगा या उनको मसीहा मानता होगा, उनको अपना नेता मानता होगा या नेता की पत्नी शुरू से अब तक नेता रहा होगा, जो उनको चाहता होगा, वो कतई यहाँ पे कोई भगदड़ नहीं करेगा। यहाँ एक भी पुलिस वाला न खड़ा हो तब भी यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं होगा। सिर्फ उनकी उनका आका नाराज हो जाएगा, उस आका को खुश करने के लिए ये लोग सब। और लोकसभा चुनाव भी आ रहा है करीब में, तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? एकदम असर पड़ेगा। मुख्तार अंसारी की मृत्यु ये साजिशन हत्या थी और इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। ये जान लीजिए कहे कि नहीं केवल जिले में पड़ेगा या मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं बड़े भाई के वहाँ पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पूरे देश में पड़ेगा, पूरा देश का अल्पसंख्यक इनकी मृत्यु से नाराज है, सारे समाज नाराज है। उसके बाद जो अति पिछड़ा अनुसूचित जो समुदाय इनको चाहता है, दिल से चाहता है, वो सब नाराज है। और इस बार तो 400 का पार और 80 पार उठा रहे हैं, बाजा बच जाएगा, डबल डिजिट में लग जाएगा। इस क्षेत्र में आने के बाद सारे लोग को एक भी ऐसा व्यक्ति हो कि जो निगेटिव में बात करे, ऐसा नहीं सुनने में आ रहा है। लेकिन जमीनी स्तर से कुछ न कुछ ऐसा किया गया है मुख्तार अंसारी द्वारा कि जो लोग उनको याद कर रहे हैं। अच्छा, उनके बाद जो है अब्बास अंसारी जी हैं और उमर हैं, तो क्या लगता है किसको जिम्मेदारी दी जाएगी?
दोनों को दी जाएगी। अब बात संसारी को जिम्मेदारी पहले दे दी गई थी, मऊ से हम लोग सात विधायक बनाए थे और इन लोगों का काम ऐसा है, इनके पूरे परिवार का काम समाज के लिए इतना अच्छा है। हमारे मऊ के लोग आते हैं तो यहाँ से कुछ लेके जाते हैं, गाजीपुर के आते हैं, बलिया के आते हैं, बनारस के आते हैं, जो गरीब जो कमज़ोर व्यक्ति है आज जो इनके दरवाजे पे पहुंच गया कुछ ना कुछ ले के जाता है, इसलिए आज मसीहा कह रहा है। और जिम्मेदारी पूरे परिवार पर है। अब बास अंसारी विधायक हुए, अब जाल अंसारी इस बार दुगुने वोट से सांसद बनेंगे। आज जो भी लड़ेगा इनका परिवार का इस साल इस चुनाव में जो भी लड़ेगा वो पूरे बहुमत के साथ बहुत अच्छे वोटों से बड़े मार्जिन से जीतेगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। इसमें कोई गारंटी मोदी वाली गारंटी नहीं है। 400 पार डबल डिजिट का आशा नहीं है। इनको तोड़ दो, उनको तोड़ दो, इनको खरीद लो, उनको बेच दो, इस विधायक को खरीद के यहाँ सरकार बना लो, यहाँ गिरा दो। इनका उनके अंदर बहुत दौखलाहट है, बहुत परेशान है ये लोग, इतने परेशान है कि अब तो लग रहा है कि हम सत्ता जाने वाली है, इस बार जाने के बाद 100 साल की आने वाले नहीं है। और इनके प्रभाव से जो ऐसे समय पे कितना घट गई जो इन्होंने किया है, इसके बाद और मोदी ने कांग्रेस साथ किया, इनके साथ भी किया, उसका नतीजा है कि इस बार साफ यूपी से साफ। लेकिन बताया जाता है कि ये जो जिस तरह से विकास कर रहे हैं, जिस तरह से प्रशासन चल रहे हैं, ये अपने दम पर जीतेंगे। कहाँ विकास आप कर रहे हैं, कहाँ विकास है? आप जहाँ पे खड़े हैं इसी हैं, यहाँ के आदमी को एक आदमी को बुला दीजिए और उससे 10 साल के अंदर का एक काम दिखा दीजिए। पूरे गाजीपुर में बता रहा हूँ, केंद्र की योजनाओं के अमल की बात मत करिएगा कि रेलवे को बना दिया, फलाना को बना दिया, तो निगम का लिमिटेड सरकार नहीं, निगम चलाता है। इनका एक काम बता दीजिए कि रोड अच्छी बन गई हो। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शासनकाल में जो उनके शासनकाल में उस शासनकाल के बाद एक भी रोड ऐसी बता दीजिए कि अलग से बनी हो, एक भी हॉस्पिटल बता दीजिए, एक भी बिजली का कारखाना बता दीजिए, एक भी जो बिजली सप्लाई करता